मल्टीपल कॉलिंग फॉर ए सबरूटीन। सबरूटीन हमारा एक ऐसा प्रोसेस है, जैसे कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर कोई मेन फंक्शन परफॉर्म करता है और उसके बीच में कोई सबरूटीन इंस्ट्रक्शन आ जाती है जिसे उसे अपने मेन प्रोग्राम को रोक कर सबसे पहले सबरूटीन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है, और उसे एग्जीक्यूट करवाने के बाद उसे फिर से अपने मेन फंक्शन पे जाना पड़ता है। जैसे कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर मेन प्रोग्राम अपने 2000 मेमोरी लोकेशन से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर रहा है, इसमें हम मल्टीपल सबरूटीन यानी एक से ज़्यादा सबरूटीन जब हमारे मेन प्रोग्राम में आ जाती हैं तो 2000 से 2009 तक उस तरह मेन प्रोग्राम किया, तो 2009 पे हमारे पास इंस्ट्रक्शन आई कॉल, सबरूटीन इंस्ट्रक्शन आई कॉल, यानी कि 2050 एड्रेस पे जो इंस्ट्रक्शन है सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर को अपने मेन प्रोग्राम को रोक कर उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। तो माइक्रो प्रोसेसर हमारे जो सबरूटीन है उस पे जाएगा, यानी कि 2050 लोकेशन पे गया, और 2050 लोकेशन पे जो भी इंस्ट्रक्शन पड़ी होगी वो उसे कंप्लीट करवाएगा, एग्जीक्यूट करवाएगा, जब तक कि RET रिटर्न इंस्ट्रक्शन नहीं आ जाती। रिटर्न इंस्ट्रक्शन 2061 हमारे मेमोरी लोकेशन पे दी गई है, एड्रेस पे दी गई है, और जब हमारा माइक्रो प्रोसेसर 2050 से उसकी सारी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देगा और रिटर्न इंस्ट्रक्शन आ जाएगी, वो फिर से अपने मेन प्रोग्राम पे चला जाएगा और अपने मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। और जब मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो फिर से 2012 मेमोरी लोकेशन पे अगेन कॉल इंस्ट्रक्शन आई 2050 पे, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, अगेन अपना मेन प्रोग्राम को स्टॉप करेगा और 2050 लोकेशन पे जाएगा और उसकी इंस्ट्रक्शन को माइक्रो प्रोसेसर अगेन 2050 लोकेशन पे जाएगा और यहाँ से फिर से इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद यानी कि 2050 से 2061 तक जब तक रिटर्न इंस्ट्रक्शन नहीं आ रही तब तक वो सब रूटीन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। इन 2061 पे रिटर्न इंस्ट्रक्शन है, जब रिटर्न इंस्ट्रक्शन आएगी तो वो अगेन 2061 से रिटर्न इंस्ट्रक्शन पे अपने जहाँ से उसने अपना मेन प्रोग्राम छोड़ा था 2015 से अपना मेन प्रोग्राम स्टार्ट करेगा। मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर का, और जब वो माइक्रो प्रोसेसर अगेन मेन प्रोग्राम कर रहा होगा तो मान लो हमारे 2012 पे अगेन कॉल इंस्ट्रक्शन आ गई, उसने अगेन 2050 लोकेशन पे जाना है, तो वो फिर से हमारा 2050 लोकेशन पे जाएगा और उस एड्रेस की इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। इस तरह से अगेन वही इंस्ट्रक्शन जो 2050 लोकेशन पे इंस्ट्रक्शन होगी वो एग्जीक्यूट होगी, और 2061 पे अगेन रिटर्न इंस्ट्रक्शन आई RET, यानी उसी लोकेशन पे वापस जाना है, वो फिर से रिटर्न करेगा जहाँ से उसने अपना मेन प्रोग्राम छोड़ा था। इस तरह से मल्टीपल कॉलिंग सब रूटीन हमारी वर्क करती है, यानी कि एक से ज़्यादा सब रूटीन्स 1, 2, 3, इसमें हमने 3 की हैं, यानी एक से ज़्यादा मल्टीपल सब रूटीन इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं।